नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भोपाल हवाला कांड के बारे में। क्राइम ब्रांच द्वारा गाड़ी में पकड़े गए पैसों की गिनती पूरी हो ही गई है। दरअसल गाड़ी से बरामद हुआ पैसा 4,10,00,000 रुपए है कुल। सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया पैसा भोपाल के बड़े सोना व्यापारी माथुराव अग्रवाल का है। माथुर अग्रवाल ये पैसा मुंबई भेजा करता था और वहाँ से इस पैसे के बदले सोना लेकर भोपाल आया करता था। असल पूरा कारोबार कई महीनों से चल रहा है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि यह एक महीने में 4 गाड़ी भेज चुका था, लेकिन इस बार मुखबरी के पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सीहोर फंदा नाके पर गाड़ी चेकिंग के दौरान गाड़ी और गाड़ी में मौजूदा 3 युवकों को लगा था। तो अपन ने खोला, तीनों युवक लंबे समय से सोना व्यापारी के लिए काम कर रहे थे। हालांकि युवक से पूछताछ जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस व्यापारी से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन व्यापारी इतना शातिर था कि उसने गाड़ी में ही लॉकर बनवा रखे थे। नॉर्मल व्यक्ति या पुलिस गाड़ी में देखेगी तो वह समझ ही नहीं पाएगी कि इस गाड़ी में पैसों की इतनी बड़ी खेप जा रही है। लेकिन मुखबरी की सूचना के बाद जब क्राइम ब्रांच ने दबिश दी तो वह सख्ते में आ गई। पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी है। वह इस मामले की पूरी जानकारी आयकर विभाग को सौंप दी गई है। आयकर विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। धन्यवाद। सात, आठ, नौ,